देखिए, कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। हालांकि ईडी की जो रिमांड एप्लीकेशन थी उसमें 10 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से जो नवीन बाटा पेश हुए थे उनका ये कहना था कि अगर 10 दिन नहीं तो कम से कम 7 दिन की रिमांड चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो कुछ दस्तावेज, जो कुछ सबूत संजय सिंह के घर से रिकवर हुए हैं उनका संजय सिंह से आमना सामना कराना है, उनसे उनको लेकर के संजय सिंह से पूछताछ जरूर, और कुछ और अहम किरदार हैं इस पूरे घोटाले की साजिश के जिनको संजय सिंह के साथ आमने सामने बैठा करके पूछताछ कराना जरूरी है। ईडी की तरफ से ये भी बताया गया था कि 3 लोग हैं जिनको अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और अगर संजय सिंह को मिलती है तो आमने सामने बैठ करके पूछताछ की जाएगी, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि जो कुछ दिनेश अरोड़ा के बयान दिए गए हैं उसको लेकर के मनी ट्रेल किस तरह से आगे बढ़ती है। 2 महत्वपूर्ण बातें ईडी की तरफ से कही गई थी कस्टडी की मांग। पहला ये कि कुल 3 करोड़ का लेन देन हुआ है, इनमें से 2 करोड़ जो की रकम संजय सिंह के घर पर जो दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी हैं उन्होंने को दी, और उसके बाद दिनेश अरोड़ा ने खुद संजय सिंह को फोन करके इस बात को कंफर्म किया कि क्या संजय सिंह के को वो रकम मिल गई है, तो संजय सिंह ने उस पर मंजूरी दी। इसके अलावा 1 करोड़ की जो रकम है वो इंडोस्पीड कंपनी के जरिए से पिक की गई, ये जानकारी ईडी की तरफ से दी गई। इसके अलावा ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह के पतला है उसमें से कुछ कॉन्टेक्ट मिले हैं, और इन कॉन्टेक्ट के जरिए आगे इस पूरे मामले की जो तहकीकात है वो आगे देखकर जी। और जैसे कि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, अरविंद ये भी समझाइए कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर क्या दलीलें दी गई थी रिमांड को लेकर। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ईडी की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे अहम किरदार हैं, उनसे आमना सामना बैठा करके पूछताछ करानी है। दिनेश अरोड़ा, राघव मुंगटा जो सरकारी गवाह बने हैं, हालांकि उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन जाहिर तौर पर जो सरकारी आमने सामने बैठा करके संजय सिंह से पूछताछ करनी है। इसके अलावा जो बाकी गवाह है जिन्होंने अपने बयान में जिक्र किया है संजय सिंह का, उनके साथ उनके आमने सामने बैठा करके संजय सिंह से पूछताछ करानी है। संजय सिंह के घर से जो रिकवरी हुई है कुल 239 जगह पर, इसके अलावा जो सर्च हुई है उनमें से संजय सिंह की इस पूरे घोटाले में भूमिका को लेकर के जो सबूत मिले हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है, ताकि इस पूरे घोटाले में उनकी साजिश को लेकर के आगे खुलासा किया जा सके, उनके रोल को साबित किया जा सके। तो ईडी का ये कहना था कि जांच ऐसे मोड़ पर है जहां पर संजय सिंह की भूमिका को साबित करने के लिए, और आपको क्योंकि जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है इस बड़ी खबर से जुड़ा, संजय सिंह को 5 दिनों की रिमांड। देखिए मल्लिका, 10 अक्टूबर तक संजय सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है, और इसी बात का अंदेशा था कि जिस तरह से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी उसमें कम से कम 5 दिनों की रिमांड जो है अदालत ईडी को देगी, और उसी के मुताबिक 5 दिनों की रिमांड के लिए संजय सिंह को ईडी के पास भेज दिया गया है। और जिस तरह से ईडी ने बताया कि जो अभी तक एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, जो घर में तलाशी ली गई थी और जो डिजिटल एविडेंस जो है उसको कलेक्ट किया गया है, और जो इक्विपमेंट्स है उनको जो सीज किया गया है उसके आधार पर आप आगे की पूछताछ करनी है, क्योंकि जो गिरफ्तारी का जो सबसे बड़ा आधार था संजय सिंह का वो ये कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। जब अदालत में रिमांड के लिए ईडी ने एप्लीकेशन लगाई थी तो उसमें बताया कि 2 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा ने अपने कर्मचारी के जरिए संजय सिंह के घर तक पहुँचाए थे। सर्वेश मिश्रा को ये पैसे दिए गए थे, जिसमें से 1 करोड़ रुपये समीर महेंद्रू जो कि इसमें एक आरोपी है उसकी कंपनी इंडोस्प्रिट के जरिए जो है पैसे पहुंचाए गए थे। तो इससे पता लगता है कि जो संजय सिंह पर जो अभी तक एलिगेशंस ये लग रहे थे कि दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया है और आगे की जो पॉलिसी जो फॉर्म की गई थी बनाई गई थी उसमें वो शामिल रहा है। लेकिन जिस तरह से दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि 2 करोड़ रुपए उसके घर पहुंचाए, तो ये एक पहली जानकारी निकल करके सामने आई है जिससे पता लगता है कि जो कैश था, जो हवाला के जरिए जो पैसे आए थे, और जो शराब नीति में जो प्राइवेट जो प्लेयर्स थे, लीकर कारोबारी थे, उनको जो फ़ायदा पहुंचा था और उसके जरिए जो पैसे को रूट किया जाना था उसमें से एक हिस्सा, यानी कि मैं कहूंगा बहुत छोटा अमाउंट था उसमें से, लेकिन 2 करोड़ रुपए संजय सिंह तक पहुंचे। अब इसी ट्रेल के बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है। 3
तीन लोगों के से आमना सामना करवाया जाएगा, जिसमें से एक व्यक्ति है दिनेश अरोड़ा, सर्वेश मिश्रा से भी पूछताछ करवा सकती हैं, आमना सामना करवा सकती हैं, और इसके अलावा तीसरे व्यक्ति के नाम का अभी खुलासा नहीं किया है। तो यानी कि अब ये मान के चलिए कि 5 दिनों के तक ईडी अब संजय सिंह से पूछताछ करेगी, जो अभी तक एविडेंसी जुटाए हैं उनसे आमना सामना कराएगी। और ये पहली बार निकल करके सामने आया है जब ईडी ने कहा है कि संजय सिंह के पास कैश अमाउंट भेजा गया था, यानी कि इससे पहले जो कैश अमाउंट की जो ट्रेल थी वो बाकी लोगों तक जा रही थी, संजय सिंह तक कैश अमाउंट की ट्रेल नहीं पहुंची थी। तो ये पहली बार है जब कैश अमाउंट की ट्रेल जो है वो संजय सिंह तक पहुंची है, और इसको एक्सप्लोर करना चाहेगी, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी ईडी, और इसी के बाद आगे पता लग पाएगा कि इन पैसों का, अगर ये पैसे उन तक पहुंचे थे तो इन पैसों को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है शराब नीति घोटाले में वो ये कि दिल्ली सरकार ने शराब, अब ये भी समझना जरूरी होगा कि अब यहां से आगे कार्रवाई कैसे बढ़ेगी, किस तरह के सवालों का, क्या क्या सवालों का सामना संजय सिंह को करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में मौका तो उन्हें अपना पक्ष रखने का आज मिला है, लेकिन ईडी के पास जाहिर तौर पर एक लंबी फेरिस्त जरूर होगी सवालों की। बिल्कुल सही कहा मल्लिका आपने, क्योंकि अब ईडी उनको संजय सिंह को पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर लेकर के आएगी, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। कल गिरफ्तारी के बाद भी उनको यहीं पर लाया गया था और यहीं पर रखा गया था, आज जब रिमांड मिल चुका है तो उसके बाद यहीं पर लाया जाएगा और यहीं पर ही अगले 5 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। उसमें जो सबसे अहम सवाल ये है कि दिनेश अरोड़ा, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ही इसमें सबसे अहम गवाह है, सरकारी गवाह बन चुका है, और उसने बताया था कि उसकी मुलाकात संजय सिंह से हुई, जो उसका रेस्टोरेंट है कोर्ट यार्ड अनप्लग, वहीं पे उसकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद संजय सिंह के जरिए ही मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई थी। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को पार्टी फंड के लिए पैसे जुटाने के लिए कहा था, जिसमें से 82 लाख रुपए उसने बाकी सब लोगों से लेकर के पार्टी फंड में दिए थे। तो ये पहला एलिगेशन लगा था, लेकिन इसको हम कानूनी तौर पर गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये बताता है कि दोनों के बीच में रिश्ते कितने मजबूत थे, यानी कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। और उसके बाद दिनेश अरोड़ा जिस तरह से शराब नीति को बनाने में शामिल रहा है, इसको इंप्लीमेंट कराने में, लोगों को अपने साथ जोड़ने में, ताकि जो प्लेयर्स हैं जो कि शराब से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचे, और जो किकबैक है, किकबैक के जरिए जो पैसा आना है पार्टी में जी, कई महत्वपूर्ण सवाल है जिनका सामना संजय सिंह को करना होगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा।